आज क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर 51 साल के हो चुके हैं। 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में जन्म लेने वाले सचिन आज देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया में शिखर पर पहुंच चुके हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले सचिन अपने बल्लेबाजी से 2 दशकों तक क्रिकेट की दुनिया में राज किया है। महज 11 साल की उम्र से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए काफी प्रोत्साहन भी दिया है। वहीं कोच रमाकांत अचारेकर के पास भी वही लेकर गए थे। फिर उसके बाद सचिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में इमरान खान, वकार यूनिस और वसीम अकरम की तिकड़ी का सामना भी किया है और उन्होंने अपने नाम 5 महारिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं, जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि सचिन के अकेले 5 रिकॉर्ड को कोई एक अकेला खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता। 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक 68 अर्धशतक की मदद से कुल 15,951 रन बनाए। मास्टर ब्लास्टर के इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई बल्लेबाज आज तक दिखाई भी नहीं दिया है। यहां तक कि कोई बल्लेबाज 14,000 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। उन्होंने 53.78 की एवरेज से यह रन बनाए थे। उनका बेस्ट स्कोर 248 रन का रहा है।